नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में अगस्त महीने की 3 तारीख को शुरू हो सकते हैं पंचायत चुनाव। यूपीएससी 65वीं मेंस परीक्षा का रिजल्ट आज हो सकता है जारी। बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर से भी हो सकती है वोटिंग। 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की काउंसिलिंग के लिए स्थान और तारीख हुए तय। नल जल की सभी योजनाओं को पूरा करने के लिए 30 जुलाई तक दी गई मोहलत। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में अगस्त महीने की 3 तारीख को शुरू हो सकते हैं पंचायत चुनाव। लंबे इंतजार के बाद बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की शुरुआत अब से 1 महीने के बाद होने की पूरी संभावना बन गई है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 दिन पहले सभी जिलों के डीएम से वर्चुअल मीटिंग की थी, जिसमें अगस्त महीने से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया था। वहीं अब आयोग से मिल रहे सूत्रों के मुताबिक 3 अगस्त को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है और उसी दिन नामांकन होगा, जिसके बाद पहले चरण का चुनाव शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक 10 चरणों में पंचायत चुनाव होगा, जिसका पहला चरण 27 अगस्त को होगा, जिसके 2 दिन के बाद काउंटिंग भी हो जाएगी। वहीं अंतिम यानी कि 10वां चरण 31 अक्टूबर को होगा, जिसकी काउंटिंग 2-3 नवम्बर को हो जाएगी। फिलहाल आयोग ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद आयोग के शेड्यूल पर सरकार की मंजूरी मिलते ही आधिकारिक तौर पर चुनाव का ऐलान किया जाएगा। नल जल की सभी योजनाओं को पूरा करने के लिए 30 जुलाई तक दी गई मोहलत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल योजना को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग ने आदेश जारी किया है। विभाग ने अधिकारियों की सुस्ती और लापरवाही को देखते हुए अब योजनाओं को पूरा करने के लिए 30 जुलाई तक का समय दिया है। विभाग के निर्देश के मुताबिक योजना से जुड़े सभी नगर आयुक्त व कार्यपालक अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा गया है कि सभी शहरी निकायों में नल जल योजनाएं 30 जुलाई तक हर हाल में पूरी हो जानी चाहिए, वरना उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बताते चले कि सीएम के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए 5 साल का समय दिया गया था, जो मार्च 2020 में ही खत्म हो गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे बढ़ाकर अक्टूबर 2020 कर दिया गया था। मगर अधिकारियों की लापरवाही के कारण अब तक भी सभी जिलों में काम पूरा नहीं हो पाया है, जिसके बाद विभाग ऐसे अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए एक्शन लेने की सोच रहा है। तेजस्वी ने चिराग को भाई बताते हुए दोस्ती की पहल करने की कही बात। लोजपा में टूट के बाद से ही विपक्षी नेता तेजस्वी यादव की नजर चिराग पासवान पर बनी हुई है। अब उन्होंने चिराग को अपना भाई बताते हुए पहल करने की बात कही है। आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस की तैयारियों में जुटे हुए तेजस्वी यादव ने अपने एक बयान में कहा है कि उन्होंने अपनी पहल कर दी है और अब अगला कदम चिराग पासवान को ही बढ़ाना है। तेजस्वी ने कहा कि चिराग पासवान के साथ गठबंधन करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि चिराग को तय करना है कि दिवंगत नेता रामविलास पासवान की विचारधारा को उन्हें कैसे आगे बढ़ाना है। वहीं इस दौरान उन्होंने इन बातों को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि लोजपा ने आरजेडी को ज्यादा सीट जीतने में विधानसभा चुनाव में मदद पहुंचाई है। बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर से भी हो सकती है वोटिंग। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आधिकारिक रूप से तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, मगर सूत्रों के मुताबिक अगस्त महीने में अधिसूचना जारी होने की पूरी संभावना है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से जुड़े कई फैसले लगातार लिए जा रहे हैं। अब नए फैसले में आयोग ने बैलेट पेपर से भी वोटिंग कराने का निर्णय लिया है, यानी कि अब ईवीएम के साथ ही बैलेट पेपर से भी पंचायत चुनाव में वोटिंग होंगे। हालांकि बैलेट पेपर को विकल्प के तौर पर उपयोग किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया और ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। इसके अलावा सरपंच और पंच के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। इसके लिए सभी जिलों को दोनों ही तरीकों से चुनाव की तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस मामले में आयोग के सचिव का कहना है कि पर्याप्त संख्या में अगर ईवीएम मिल जाते हैं तो सभी पदों के लिए ईवीएम के जरिए ही चुनाव किए जाएंगे। अभी टारगेट के मुताबिक राज्य में करीब 1.5 लाख ईवीएम कम पहुँचे हैं। 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए स्थान और तारीख हुए तय। बिहार के 72,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की बहाली अब कुछ दिनों में ही हो जाएंगी। इसके तहत शिक्षा विभाग ने 94,000 शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग के लिए तारीख में संशोधन कर आदेश को जारी किया है। इसके मुताबिक अब नगर निकाय क्षेत्र के लिए शिक्षकों की काउंसलिंग 5 जुलाई और 6 जुलाई को जिला मुख्यालय में होगी। 5 जुलाई को वर्ग 6 से लेकर 8 तक के शिक्षकों की काउंसलिंग होगी और 6 जुलाई को कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए काउंसलिंग जाएगी। वहीं प्रखंड नियोजन इकाई के शिक्षकों के लिए 7 जुलाई को कक्षा 6 से 8 तक के लिए काउंसलिंग जिला मुख्यालय में होगी। वहीं 8 तारीख को 1 से 5 तक के लिए काउंसलिंग होगी। इसके अलावा पंचायत नियोजन इकाई के लिए 12 जुलाई को प्रखंड में काउंसलिंग होनी है।
सुशील मोदी ने लालू यादव को राजनीति छोड़ स्वास्थ्य पर ध्यान देने की दी सलाह। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में जमानत मिलने के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता पर सत्ता पक्ष के नेता सवाल उठाते रहते हैं। इस बीच यह भी खबर है कि जल्द ही लालू यादव पटना आ सकते हैं। इसे लेकर बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने तंज भरे लहजे में उन्हें स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि राजनीति में सक्रियता दिखाने के बजाय वे वैक्सीन लगवाएं और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। वहीं आगे उन्होंने कहा कि लालू यादव जमानत पर छूटे हैं और वे पटना आते हैं तो इससे राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि लालू के आने के बाद भी वे कोई जिन निकाल कर पार्टी का राज वापस नहीं लाने वाले हैं। बिहार में भाजपा के विधायकों को तोड़ने की कोशिश में हमेशा नाकाम रहने वाले हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि लालू प्रसाद को स्वास्थ्य के लिए जमानत मिली है, न कि राजनीति करने के लिए मिली है। पीएम मोदी की तारीफ वाले ट्वीट पर शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया अपना पक्ष। बिहार के पटना साहिब से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने पीएम मोदी का पक्ष लिया था, जिसके बाद से ही अटकलें लगाई गई थी कि वे घर वापसी तो नहीं कर रहे। मगर अब बॉलीवुड के शॉटगन अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बातों को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि वह ट्वीट केवल मनोरंजन के लिए था, उसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के ही साथ हैं और वापस भाजपा ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वे हर रविवार को एक ट्वीट मनोरंजन के लिए व्यंग के तौर पर करते हैं, इसका राजनीति से लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा कभी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भाजपा से केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। भाजपा में रहते हुए कई बार खुलकर पीएम मोदी का उन्होंने विरोध किया है। वहीं साल 2019 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था। बिहार सरकार ने 5 यूनिवर्सिटीज को नियम तोड़ने के मामले में भेजा नोटिस। राज्य के 5 परंपरागत विश्वविद्यालयों को नियम के विरुद्ध जाने को सरकार ने गंभीरता से लेते हुए कारण बताओ नोटिस भेजा है। दरअसल ये 5 विश्वविद्यालय ने नियम तोड़ते हुए फार्मेसी कॉलेजों को संबद्धता दे दी है, जबकि फार्मेसी कॉलेज सहित अन्य किसी भी टेक्निकल कोर्स को संबद्धता देने का अधिकार आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को मिला हुआ है। इस मामले में बीआर अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा और मगध विश्वविद्यालय बोधगया के कुल सचिवों को नोटिस भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने बीएड कॉलेज का भवन दिखाकर 12 फार्मेसी कॉलेज खोलने के लिए संबद्धता दे दी थी। वहीं इन 5 विश्वविद्यालय में सत्र 2020-21 के दौरान नियमों को तोड़ा गया है, जिस पर अब सरकार जवाब तलब कर रही है। डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल की मुख्य परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। पटना हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल की बहाली के लिए मुख्य लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। यह परीक्षा इसी वर्ष 21 मार्च को ली गई थी। इसके तहत 173 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 53 उम्मीदवारों ने सफलता प्राप्त की है। अब सभी सफल उम्मीदवारों के अंतिम चयन के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा, जिसके लिए उन्हें जल्द ही सूचित किया जाएगा। इस परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ अंक 112 रहे, जबकि सामान्य महिला वर्ग में कट ऑफ अंक 102 रहे। वहीं बैकवर्ड क्लास के लिए कट ऑफ 99 अंक रहे। बताते चले कि इस परीक्षा के लिए वैसे उम्मीदवार पात्र हैं जो वकालत की 7 साल की प्रैक्टिस कर चुके हैं, साथ ही जिनकी उम्र 35 से 50 साल तक की है, साथ ही 3 साल के अंदर उन्होंने बतौर अधिवक्ता 24 मामले देखे हों। वहीं आरक्षित श्रेणी को कुछ छूट भी दी गई है। हिंदी और मैथिली के पुरोधा लेखक व कवि नागार्जुन को साहित्य प्रेमियों ने किया याद। बिहार की साहित्यिक पहचान को बढ़ाने वाले ध्रुव तारा रहे वैद्यनाथ मिश्रा उर्फ नागार्जुन का जन्म आज ही के दिन साल 1911 में वर्तमान में मधुबनी जिले के सतलाखा में हुआ था। हालांकि उनका पैतृक गांव दरभंगा रहा था, मगर अपने ननिहाल मधुबनी में उन्होंने अपना ज्यादातर समय गुजारा था। नागार्जुन बाबा हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक थे, जिन्होंने कई उपन्यास, लघु कथाएं, साहित्यिक आत्मकथाएं और यात्रा वृतांत भी लिखे हैं, और उन्हें जनकवि द पीपल्स पोइट के रूप में भी जाना जाता था। उन्हें मैथिली में आधुनिकता का सबसे प्रमुख नायक माना जाता है। 1930 के दशक के मध्य तक उन्होंने हिंदी में कविता लिखना शुरू कर दिया। वहीं आज उनकी जयंती पर बिहार समेत पूरे देश के साहित्यिक जगत के लोग उन्हें याद कर रहे हैं। किशनगंज बनने वाला है तेजपत्ता उत्पादन में देश भर में नंबर 1 जिला। बिहार के किशनगंज जिले में तेजपत्ता उत्पादन 15 सालों में बेतहाशा स्तर के साथ बढ़ा है, और अब वह दिन दूर नहीं कि जब औषधीय गुणों से भरे तेजपत्ते के उत्पादन में बिहार का यह जिला देश भर में अग्रणी बन जाएगा। यह नहीं, विदेशों में भी यहां से आयात होने लगे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक नेपाल व पश्चिम बंगाल से सटे किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड व इसके आसपास के क्षेत्रों में तेजपत्ता की खेती में लगातार बढ़ोतरी
खेती हो रही है। चाय बागान के किनारे 15 साल पहले जहां 5-10 वृक्ष लगाकर किसानों ने इसकी शुरुआत की थी, अब वहां 12,000 से अधिक वृक्ष हैं। तेजपत्ता के वृक्ष को लगाकर किसान काफी मुनाफा भी कमा रहे हैं। इन पौधों को चाय बागान के बीच 40 फीट की दूरी पर लगाया जाता है, जिससे चाय के पौधे को भी लाभ मिलता है, क्योंकि चाय बागान को छायादार वृक्ष की आवश्यकता होती है। जिले में इस समय 25,000 हेक्टेयर में चाय बागान है, जिसके आसपास 12,000 से ज्यादा तेजपत्ता के वृक्ष लगे हैं। पटना में किन्नरों को रोजगार देने के लिए दी जाएगी ट्रेनिंग। कोरोना काल में समाज के मुख्यधारा से बेहद कम जुड़े हुए किन्नर समुदाय को भी आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा, जिसे देखते हुए राजधानी पटना में एक नई पहल जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने शुरू किया है। डीएम ने अब पटना में किन्नर समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और रोजगार देने के लिए व्यावसायिक ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की है। इसके तहत खगौल में गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में चलने वाले गौरव गृह में अस्थायी तौर पर प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई है, जहां सिलाई बुनाई कंप्यूटर नृत्य संगीत सहित अन्य रोजगार पर हुनर सिखाए जाएंगे, जिससे ये रोजगार करके समाज में गरिमा के साथ जीवन यापन कर सके। वहीं संबंध में पटना डीएम ने कहा कि इसे अस्थायी तौर पर शुरू किया गया है, जिसे स्थायी जगह मिलने के बाद वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहीं इस मौके पर विद्यालय परिसर में टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित करके थर्ड जेंडर को टीका भी लगाया गया। शिमला में छुट्टी मनाते हुए एमएस धोनी की पिक्चर हुई वायरल। महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों शिमला में अपनी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ छुट्टियां मना रहे हैं, जहां वे अपने जीवन के एक खास पल खूबसूरत वादियों में मना रहे हैं। वहीं इन खूबसूरत पलों को तस्वीरों में कैद करके साक्षी धोनी उनके फैंस को भी निराश नहीं करते हुए धोनी की एक्टिविटीज को शेयर कर रही है। इस दौरान धोनी शिमला में एप्पल बेल्ट में ट्रेकिंग करते हुए देखे गए, वहीं स्थानीय लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचाई है। धोनी यहां के एक गांव में क्रिकेट मैदान का निरीक्षण करते हुए भी तस्वीर में नजर आए। दौरान शिमला के बेहद खूबसूरत इंटीरियर वाले होम स्टे में वे ठहरे हुए हैं। देश भर में लगातार तीसरे दिन 50,000 से कम आए एक्टिव मामले। देश भर में ताजा मामलों में कमी आने के साथ ही लगातार तीसरे दिन 50,000 से कम मामले दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 45,951 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 817 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान कुल 60,729 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 5,37,000 हो गई है। वहीं बाद अगर हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे के दौरान 190 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 330 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,831 हो गई है। वहीं रिकवरी दर 98.42% हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में प्रतियोगिता परीक्षाओं के रिजल्ट समय से काफी लेट जारी करने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।